आज मसाला किचन में बन रहा है कराची हलवा। बहुत सारी डिमांड आपकी हर बार कराची हलवा, कराची हलवा की रेसिपी दें, तो आज मैंने आपकी डिमांड को पूरा किया है। कराची हलवा बनाना हलवाइयों का काम है, उसे हम कैसे घर में बनाएं चलिए वो देख लेते हैं। मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। बिल्कुल करेक्ट रेशो से बनाइए और करेक्ट रेशो मैंने हलवाई वाला आपको दिया है, तो मुझे क्या क्या चाहिए पहले वो देख लेते हैं। इसके लिए चाहिए मुझे आरा रोट, कॉर्नफ्लोर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 150 ग्राम मैंने आरा रोट लिया है और जस्ट डबल पानी मतलब 300 ml मैं पानी ले रही हूँ। और यहाँ मैंने घी लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम मैंने घी लिया है। ड्राई फ्रूट मैंने 150 ग्राम लिया है मिला जुला, आप इसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। 1 ग्राम या 2 चुटकी समझ लीजिए मुझे चाहिए साइट्रिक एसिड, जिसे मैंने पीस लिया है, या तो फिर आप नींबू की कुछ बूंदें ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिए कलर, जैसे आपको जो कलर डालना है, ऑरेंज कलर का बनता है, ग्रीन कलर का बनता है, मुंबई में चॉकलेट कलर का भी बनता है, तो मैंने तीनों कलर लिए जिससे आपको बनाना है। चीनी लिया है मैंने 4 कप भर के, मतलब करीब करीब 800 से 850 ग्राम चीनी है। पानी है जस्ट आधा, 400 ml, तो इस खास नाप का रेशो आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये सब आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी कराची हलवा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। एक मैंने पैन लिया है जिसमें 400 ml मैंने पानी और 850 ग्राम के आसपास है चीनी, तो ये सब मैंने एक साथ डाल दिया है। पहले हम इसे चीनी को सिर्फ मिक्स होने देंगे पानी में। स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। ये देखिए चीनी और पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, मतलब चीनी जो है पानी के अंदर अच्छे से घुल गई है। चीनी का एक भी दाना नहीं बचना चाहिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसे इस पैन को नीचे हटा देते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर स्टेप बताऊँ। इस रेसिपी के हर स्टेप को फॉलो करें तो आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ ले रही हूँ मैं एक दूसरे बोल में कॉर्नफ्लोर, इसमें 300 ml आप करेक्ट रेशो के साथ पानी मिलाइए। इस घोल को हमें तैयार करना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एक मोटे तले का बर्तन ले लीजिए, जैसे पुराने ज़माने के जो मोटे तले के बर्तन होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें ये हलवाई लोग बनाते हैं, उन्हें इन बर्तनों में बनाना अच्छा लगता है। यहाँ मैंने लिया है घी, लेकिन घी अभी आधा डाला है, पूरा नहीं डाला है। ऐसे ही मैंने जो चाशनी ली है, जो हमने शक्कर पका के रखी थी, वो भी आधी डाली है। अब ये छान कर ये आरा रोट जो है पानी के साथ, वो इसमें हमें पूरा डालना है। याद रहे फिर से आपको मैं बता रही हूँ, घी मैंने आधा लिया है मोटे तले के बर्तन में और चाशनी भी मैंने आधी ली है। कॉर्नफ्लोर जो मैंने घोल बनाया था उसे छान के मैंने पूरा इसी के अंदर डाल दिया है। स्लो फ्लेम पे रखिए और धीरे धीरे इस तरीके से कॉर्नफ्लोर नीचे से लगना शुरू हो, ये अच्छा साइन है। ये देखा आपने, खुरपी में नीचे थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर जमना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और फ्लेम को बिल्कुल भी अभी बढ़ाना नहीं है। अगर हम फ्लेम को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा चाहिए, मतलब अभी ये कॉर्नफ्लोर ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आपने देखा कॉर्नफ्लोर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता गया है, एक गोला सा हो गया है जो घी के साथ चारों तरफ मूव कर रहा है। अब धीरे धीरे जो हमारे पास चाशनी है ना, करछी से हम डालते चले जाएंगे जो हमने बचा के रखी थी। फ्लेम को अब मीडियम रखेंगे। इंग्रीडियंट्स बहुत ही सरल हैं जो हमारे घर में होते हैं, बस इसे बनाना ही थोड़ा ट्रिक है। बहुत महंगा मिलता है, 1800 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो, वो डिपेंड करता है जितना आप ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना ही वो महंगा होता जाता है। ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारी चाशनी इसके अंदर डाल दी और ये जो साइट्रिक थी ना उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, करीब 1 टीस्पून। अब इसे बस घुमाना ही एक बड़ा सा काम है। धीरे धीरे हमें सब तरफ से घुमाते जाना है। एक हाथ से पिंचेस से बर्तन को पकड़ लीजिए और एक हाथ से इसे
चलाते जाइए। आ रहा है ना मजा एक नई सी रेसिपी देखने में। जब हम कोई नई रेसिपी बनाते हैं तब हमें थोड़ा अलर्ट होकर उस वीडियो को देखना है और रेसिपी बनाते टाइम भी ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल के उसी नाप से आपको बनाना है, तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आपकी जब रेसिपी अच्छी बनती है तभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया बात हुई। कोशिश कीजिए उसे परफेक्ट बनाने में। अब जो हमारे पास साइट्रिक पानी के साथ मैंने भिगा के रखा था उसके 2-4 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसे हमें सिर्फ चलाते रहना है, कुछ नहीं करना है, बस सब तरफ से चलाते रहना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें घी भी डालना है। कुल मिला के हमें 100 से 125 ग्राम घी चाहिए, आधा हम पहले डाल चुके थे, अब धीरे धीरे हमें 1-1 चम्मच से घी भी हमें डालना है। ये बिल्कुल हलवाई की रेसिपी है, जो हलवाई लोग इसी तरीके से बनाते हैं वही रेसिपी मैंने आपको दी है। फ्लेम मीडियम ही रहेगी, बड़ा बर्तन जरूर लीजिए, उछल के बाहर ना आ जाए, इसीलिए इन चीज़ों को मोटे बर्तन और बड़े बर्तनों में ही बनाना चाहिए। इसे हम बीच बीच में चेक भी करेंगे, अभी ये काफ़ी कच्चा है, अभी नहीं पका है पूरा। अब ये जो घी बचा था हमारे पास वो मैंने सारा घी इसी के अंदर डाल दिया है। पानी में मैं थोड़ा सा मिश्रण डाल के दिखा रही हूँ, ये अच्छा टाइट गोला होना चाहिए, अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये नहीं बना है। आपको जितना ही खींचने वाला कराची हलवा चाहिए, मतलब च्युइंगम की तरह खींचने वाला, उतना ही आपको इसे पकाना होगा। कई जगह मार्केट में आपको थोड़ा सॉफ्ट सा मिलता है, कई जगह आपको काफ़ी चूही सा मिलता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। यहाँ भी मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, ठंडा होने के बाद इसका जो गोला है बनना चाहिए। अभी ये गोला बनना शुरू हुआ है पर अभी पूरा नहीं बना है। घी के साथ कैसे मूव कर रहा है ये देखिए, 2 से 3 बार मैंने इसे चेक किया है, पहले काफ़ी कच्चा लग रहा था, अब काफ़ी टाइट सा गोला लग रहा है। इस रेशो से आपका करीब करीब 1.5 किलो ये कराची हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये 2-3 बूंद साइट्रिक वाली जो बची हुई थी वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इस समय भी आप चाहें तो 2-3 ड्रॉप्स नींबू का रस डाल सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 बूंदें ही डालनी है, ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा हो सकता है। अब बिल्कुल इसने साइड छोड़ दिया है, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं चिपक रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है। पहले इसे मिला के देखेंगे कैसा कलर आ रहा है। मुझे पर्सनली चॉकलेट कलर पसंद था, पर क्योंकि अक्सर चॉकलेट कलर सबके पास नहीं होता तो मैंने ग्रीन कलर ही डाला है। मैं थोड़ा सा इसमें चॉकलेट कलर डालूंगी जिससे थोड़ा सा ये डार्क कलर का हो जाए, बस डार्क ग्रीन कलर का दिखने लगे। अब डाल दीजिए ड्राई फ्रूट, काजू बादाम पिस्ता। आपको कुछ नहीं डालना है तो सिर्फ खरबूजे के बीज डालकर भी बन सकता है ये। ये देखिए कराची हलवा बनकर तैयार हो गया है। देखा आपने कितना सरल है ना, मतलब थोड़ा ट्रिकी है, बस हर ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है, चीनी, कॉर्नफ्लोर और पानी, और आपको चाहिए ड्राई फ्रूट, घी, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, तो आपको लाना कुछ नहीं है, बस इस ट्रिक को फॉलो करके आपको इसे बनाना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे मार्केट में इसे रैप किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिए, अब बहुत ही सावधानी से पूरा का पूरा आप ट्रे में निकाल लीजिए, थाली हो ट्रे हो जिसमें भी आप इसे सेट करना चाहते हैं। मैंने तो एक ट्रे ले ली है जिससे मुझे बिल्कुल वैसे ही चौकोर शेप की पीसेस वाला कराची हलवा चाहिए। ये देखिए घी काफ़ी मात्रा में है इसमें, तो ट्रे में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें पूरा का पूरा मिश्रण इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए पूरी एक ट्रे बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो थोड़ा और पिस्ते या कुछ भी डाल सकते हैं, मैं थोड़े से पिस्ते की कतरन डाल रही हूँ क्योंकि पहले जब मैंने ड्राई फ्रूट डाला था उसमें पिस्ते मैंने इतने ज़्यादा नहीं डाले थे। बस आप इसे यहाँ पर प्रेस कर दीजिए और इसे सेट होने दीजिए। हमें जल्दी हो तो हम निकाल सकते हैं 2-4 घंटे में। अक्सर ये हलवाई लोग जैसे आज बनाते हैं इसे कट, वो सुबह ही करते हैं, तो ऐसा ही कुछ आप भी करें तो अच्छी बात है।
इस हलवे को हमें रूम टेम्परेचर पर रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। अब मैं इसे कट के निशान लगा रही हूँ। मैं स्केल से इसलिए निशान लगा रही हूँ कि बराबर मात्रा में ये बने, मतलब एक ही जैसे पीस कटे। ये देखिए, मैं आपको पीस निकाल के भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल हलवाइयों वाला ये कराची हलवा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। तो कैसा लगा आपको ये कराची हलवा, ये मैं पीस आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आप भी इस तरीके से कराची हलवा घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा चुई नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ये मीडियम है। बहुत ही बढ़िया, आराम से कट रहा है। कटने में ही आप समझ गए होंगे कि ये कैसा है। इसे पीसेस में निकाल दीजिए। अब मैं आपको इसे कवर करना भी बताती हूँ कि कैसे ये लोग कवर करके रख देते हैं। ये हमारे पास है जिलेटिन, कोई भी हमारे पास पन्नी वगैरह होती है जिसमें हम साड़ियाँ वगैरह पैक करते हैं, उसको मैंने पीसेस में कट कर दिया है। अब आप चाहें तो थोड़े से खरबूजे के बीज ऊपर से लगा लीजिए। ये हलवाई लोग भी इसी तरीके से रैप करके रखते हैं जिससे कोई मक्खी भी ना आए, और होता क्या है कि इससे सुंदरता और बढ़ जाती है। ये देखिए, देखा ना आपने, है ना बड़ा आसान सा इसे बनाना। बस इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप भी बनाएंगे आप भी उतना ही खुश होंगे जैसे मैं खुश हो जाती हूँ। एक करेक्ट रिजल्ट जब हमें मिठाई में या किसी भी रेसिपी में मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये करीब करीब 1.5 किलो से ज़्यादा ही बना है, मैंने इसका वेट किया था। आपको सबसे अच्छा कराची हलवा कहाँ का अच्छा लगता है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं।